10.3 पॉइंटिंग उपनिवेशवाद एवं उसका प्रभाव एक बार जब यूरोपीय देशों का अफ्रीका पर कब्जा हो गया तो उन्होंने इस भूभाग को भी अपने हितों के अनुसार बदलना शुरू किया इन बदलावों ने पूरे अफ्रीका में रहने वाले समुदाय के जीवन पर निर्णायक ढंग से असर किया पशुपालक समाज एवं उपनिवेशवाद उपनिवेशी शासन से पहले विशाल घास के मैदानों पर मसाई जनजाति के लोग मुख्यतः पशुपालन करते थे अफ्रीका के औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में ब्रिटेन और जर्मनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाकर मसाई प्रदेश के दो टुकड़े कर दिए इसके पश्चात दोनों ही देशों ने इन घास के मैदानों पर खेती को प्रोत्साहित करना शुरू किया जिससे लगभग 60 प्रतिशत चारागाह पर अब मसाई अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं जा सकते थे मसाई समुदाय धीरे धीरे उन इलाकों तक सिमट गए जहाँ न तो अच्छा चारा मिलता था और न ही वर्षा होती थी पहले पशुपालन के द्वारा मसाई लोग किसानों से ज़्यादा सुखी संपन्न होते थे लेकिन बदलती परिस्थिति में उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई अफ्रीका के अन्य हिस्से में भी पशुपालक समुदाय इसी तरह की स्थितियों का सामना कर रहे थे खनिज क्रांति एवं अफ्रीका सन अठारह में वर्तमान दक्षिण अफ्रीका में हीरे की पहली खान मिली और सन अठारह में सोने की खानों का पता चला पता चलते ही हजारों गोरे लोग अपनी तकदीर आजमाने इस इलाके में आकर बसने लगे हीरे का पता चलते ही इस भूभाग में सदियों से रहने वाले आदिवासियों एवं पहले से ही रह रहे बोअर समुदाय की जमीन पर ब्रिटिश शासन ने कब्जा कर लिया बोअर अफ्रीका में रहने वाले डच किसानों को कहा जाता है जो सत्रहवीं सदी में यहाँ बसे थे हीरे के खानों से हीरा निकालने के कार्य में बहुत से मजदूरों की आवश्यकता थी उस समय तक अफ्रीका में रहने वाले आदिवासी मजदूर जैसी व्यवस्था में नहीं ढले थे और मुख्यतः खेती या पशुपालन के जरिए अपना भरण पोषण करते थे इन आदिवासियों को मजदूर के रूप में काम करने हेतु तो विवश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने गृह कर लगाया इस कर के लिए पैसे कमाने के लिए एक व्यस्क को लगभग तीन महीने मजदूर का काम करना पड़ता था फलता स्थानीय आबादी की एक बहुत बड़ी संख्या अपनी खेतीबाड़ी छोड़कर इन खानों में काम करने लगी अब हीरे और सोने के खानों के आसपास मजदूरों की एक बड़ी संख्या निवास करने लगी इन मजदूरों के अलावा एक बड़ी संख्या में यूरोपीय आबादी भी रहती थी जो मुख्यतः इन खानों के प्रबंधन और विक्रय संबंधी कार्यों में लगी रहती थी इन सबके कारण दक्षिण अफ्रीका में नगरों का विकास हुआ सोने के खानों के साथ विकसित हुआ एक ऐसा ही नगर जोहान्सबर्ग है जो आज भी दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है इन शहरों में यूरोपीय आबादी और अफ्रीकी आबादी के लिए अलग अलग बसाहट बनाई गई और भिन्न भिन्न नियम बनाए गए अफ्रीकी लोगों के साथ भेदभाव करने वाली रंग भेद नीति में इन नगरों की अलग अलग व्यवस्था का भी योगदान माना जाता है कांगो में रबड़ की खेती और स्थानीय समुदायों का नरसंहार बेल्जियम का शासक लियोपोल्ड द्वितीय अफ्रीका में अपनी निजी जागीर बनाना चाहता था उसने सन अठारह से अठारह में कांगो के जनजातीय सरदारों से छल कर कई संधियाँ की जिनके आधार पर उसने कांगो में तेईस लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया यह बेल्जियम से करीब अस्सी गुना ज़्यादा बड़ा क्षेत्र था यह उसकी निजी संपत्ति थी लियोपोल्ड ने आदेश दिया कि कांगो के सब लोग जंगलों से रबड़ हाथी दांत आदि लाकर सरकार को निर्धारित कीमतों पर देंगे जो अपने हिस्से का रबड़ नहीं देगा उसे मार डालने या हाथ काटने के आदेश थे लोगों से राजा के लिए सामान एकत्रित करने का ठेका कई कंपनियों को दिया गया था इन कंपनियों ने वहां के मूल निवासियों के साथ क्रूरता की एक नई मिसाल कायम कर दी अगर कोई स्थानीय व्यक्ति निश्चित मात्रा में रबड़ नहीं ला पाता था तो वे उनका हाथ काट देते थे माना जाता है कि कम से कम सौ लाख कांगोवासी इस अत्याचार के कारण मारे गए अंततः इस व्यवस्था को सन 1908 में समाप्त किया गया और कांगो का शासन बेल्जियम के संसद ने अपने हाथों में लिया